तो दोस्तों आज मैं आपको डेमो दूंगा स्पेशली 7.5 kg का, वो भी टॉप लोड का, क्योंकि मार्केट में सेमी ऑटोमेटिक भी है, फ्रंट लोड भी है एंड टॉप लोड भी है। मैं आज आपको टॉप लोड का इसलिए डेमो दे रहा हूँ क्योंकि टॉप लोड इजी टू यूज़ है, बिकॉज इसलिए क्योंकि आप जब भी इसमें कपड़ा डालते हो या अचानक में आप बीच में कपड़ा डालना भूल जाते हो तो आप इस मशीन को, टॉप लोड को, कभी भी बीच में ओपन करके कपड़ा ऐड कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपकी वॉशिंग क्वालिटी और आपका टाइम भी सेफ होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में 3 से 4 मेंबर या 4 से 5 मेंबर है तो आपके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जो कि 7.5 kg की है। इसी के साथ साथ अगर आप मार्केट में सर्वे कर रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि मेरे को कौन सी टॉप लोड लेनी चाहिए क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी मशीनें हैं, तो फिर भी आज मैं आपको डेमो ऐसा दे रहा हूँ जो कि दो ब्रांड से रिलेटेड है, यानी मैं आज आपको जर्मन एंड कोरियन ब्रांड का डेमो दूंगा। तो फ्रेंड्स, जर्मन एंड कोरियन से मेरा ये मतलब है कि जो जर्मन है वो बॉस की टॉप लोड का डेमो दूंगा एंड कोरियन जो है वो मैं आपको एलजी की टॉप लोड का डेमो दूंगा। दोनों ही 7.5 kg की है। इनमें क्या क्या फीचर्स आते हैं, क्या क्या इन दोनों में डिफरेंसेस है, क्या इनके बेस्ट क्वालिटी है, क्या इनकी वॉशिंग परफॉर्मेंस है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा। तो इससे क्या होगा, अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनकी डिटेल में, दोनों की आपस में डिटेल में बताऊंगा तो इसको आसानी होगी आपको परचेस करने में, अगर आप मार्केट में परचेस करने जा रहे होंगे, कंफ्यूज ना हो आप। इसीलिए मैं आपको ये कंपेरिजन दे रहा हूँ कि एलजी और बॉस में से कौन सा बेटर है। वैसे तो दोनों ही ब्रांड पॉपुलर है, बट इंजीनियरिंग के मामले में कौन सा बेटर है वो भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि जर्मन भी एक छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, जर्मन ब्रांड भी काफ़ी बड़ा है जो कि बॉस का है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं डेमो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं डेमो इनके कंपैरिजन का। तो फ्रेंड्स, ये है बॉस की एंड एक है एलजी की। 7.5 kg दोनों कैपेसिटी है, यानी दोनों सिमिलर है, दोनों ही फजी लॉजिक है और दोनों ही मैनुअली भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इनके फीचर्स एंड मॉडल नंबर की बात करें तो जो बॉस का है वो मॉडल नंबर है WOE751W0IN, इसका मॉडल है। एंड अगर मैं एल जी की बात करता हूँ तो एल जी T75SKSF1Z2 इसका मॉडल है। तो फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन के अंदर सबसे खास बात देखी जाती है कि वॉशिंग मशीन की मोटर कितने वॉट की है, क्योंकि अगर वॉशिंग मशीन की मोटर हैवी है तो वॉशिंग क्वालिटी भी अच्छी मानी जाती है। तो बात करते हैं बॉस की वाटर मोटर की, तो बॉस की जो मशीन है उसकी है 450 वॉट की मोटर। एंड अगर मैं बात करूं एलजी की तो एलजी है 230 वॉट की मोटर। तो आप कंफ्यूज होंगे कि अगर मोटर हैवी है तो यहाँ पे यानी बिजली की भी खपत ज़्यादा होगी। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज क्योंकि अगर आप इसको 2 से 3 बार वॉश करते हो तो आपका बिजली का खपत बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनकी वॉशिंग साइकिल 45 मिनट के करीब की होती है। अगर मैं बात करूँ इनके टेक्नोलॉजी की तो बॉस जो होती है इको साइलेंट ड्राइव मोटर देती है, जो कि BLDC मोटर होती है, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर के साथ आती है। एंड अगर मैं बात करूं एलजी की तो एलजी स्मार्ट इन्वर्टर मोटर देती है, यानी दोनों ही अपने हिसाब से सेम है, दोनों के ही फीचर ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं बात करूं इनके पैनल्स की, जिसमें कि आपके वॉशिंग प्रोग्रामिंग ऐड होते हैं, तो जो बॉस है उसका बैक पैनल है, यानी अगर आप कभी भी कपड़े इसमें से निकालते हैं तो वहाँ पे आपका पानी वगैरह नहीं डलेगा, यानी पानी से पैनल ख़राब नहीं होगा, कुछ कंडीशंस होती है। तो अगर मैं बात करूँ एलजी की तो एलजी का फ्रंट पैनल है, यानी पैनल आगे है। तो कई बार बार क्या होता है, बोलते हैं कि अगर हम कपड़े बार बार उठा रहे हैं तो पानी उस पर गिर रहा है तो उसमें क्या होगा, पैनल ख़राब होने के चांसेस होते हैं। बट पैनल वैसे तो सेफ रहते हैं, बट फिर भी दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों का फ़र्क ये है कि उसमें पैनल बैक में है बॉस में, और एलजी में फ्रंट में पैनल है। तो फ्रेंड्स, वॉशिंग प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करते हैं तो बॉस में ऑलमोस्ट 10 वॉश प्रोग्राम आते हैं, एंड एलजी की बात करते हैं तो एलजी में टोटली 8 वॉश प्रोग्राम आते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट फीचर की, तो स्पेशली जो बॉस देता है वो स्मार्ट डोर क्लोजिंग में देता है। स्मार्ट डोर क्लोजिंग का मतलब होता है, यानी अगर डोर इसका ओपन है और अचानक से डोर गिर जाता है और आप उसमें कपड़े डाल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो इसका डोर क्या होगा, धीरे धीरे नीचे की साइड आएगा, यानी सॉफ्ट क्लोजिंग डोर है। वहीं पे अगर मैं एलजी की बात करूं तो एलजी जो होता है वो नॉन स्मार्ट डोर क्लोजिंग में आता है, यानी उसमें डोर एकदम से आपका डाउन होगा। अगर मैं बात करूं इसके नेक्स्ट फीचर की तो 15 मिनट टू 90 मिनट तक का इसमें सोकिंग का ऑप्शन आता है बॉस में,
जबकि LG में सोकिंग का प्रोग्रामिंग नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो नेक्स्ट फीचर आता है एंटी टैंगल फीचर, जो कि बॉस के अंदर आता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं LG की तो LG में एंटी टैंगल फीचर नहीं दिया हुआ है। अगर बात करें इनके लिंट फिल्टर की, लिंट फिल्टर दोस्तों वो होता है जो कि कपड़ों के फिजिकल डस्ट एंड रेशो को कैच करता है। तो यहाँ पे जो बॉस का लिंट फिल्टर है वो बिग लिंट फिल्टर है, और वहीं पे अगर मैं बात करूँ LG की तो LG स्मॉल लिंट फिल्टर के साथ आता है। बात करें इनके नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की तो जो बॉस होती है 7% बिगर एंड हैवी वेट के साथ आती है। मान लीजिए जो इसका जो वेट होता है वो काफ़ी हैवी होता है, और के मुकाबले लगभग 36 kg का इसका वेट होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ LG की तो वो स्मॉल एंड लाइट वेट के साथ होता है, यानी उसका थोड़ा सा ड्रम छोटा होता है बॉस के मुकाबले, बट उसका जो वेट होता है वो आपका 31 से 32 kg के करीब का होता है। अब हम बात करेंगे स्पेशली इनके ड्रम की। जो ड्रम होता है इनका 100% स्टेनलेस स्टील ड्रम होता है अंदर से। दोनों में अगर देखा जाए अंदर का पल्सेटर का, तो जो बॉस का जो पल्सेटर होता है, बॉस का पल्सेटर आपका स्क्रबिंग पल्सेटर होता है। एंड अगर बात करें स्पेशली LG की तो LG जो होता है पंच 3 पल्सेटर के साथ आता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इसके स्टार रेटिंग की। जो बॉस होता है वो भी 5-स्टार रेटिंग के अंदर आता है, एंड जो LG होता है वो भी आपका 5-स्टार रेटिंग के अंदर आता है। बॉस एक जर्मन ब्रांड है एंड LG एक कोरियन ब्रांड है। तो फ्रेंड्स अब लास्ट में आता है कि इनकी वारंटी कितनी कितनी होगी। तो फ्रेंड्स जो बॉस होता है, बॉस आपको वारंटी देता है 2 ईयर की टोटल एंड 10 ईयर की मोटर की वारंटी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं LG की तो LG भी 2 ईयर की टोटल एंड 10 ईयर की मोटर की वारंटी देता है। तो फ्रेंड्स ये थे इनके डिटेल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन कि किस में क्या बेटर है। तो ये मैंने आपको कंपेरिजन बताया है कि क्या क्या इसमें कंपेरिजन है। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।